वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ एथिल अल्कोहल फ्रॉम दी मोलेसेस। मैन्युफैक्चर्ड ऑफ एथिल अल्कोहल फ्रॉम दी मोलेसेस, शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। मैंने बताया था जब भी किसी हम कंपाउंड को बनाएंगे तो हमारा एक नंबर तो पक्का हो जाएगा अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नंबर एक, हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं C2H5OH। उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखो C2 है, H5 थे, 1 2 3 4 5 और OH, इस तरह से स्ट्रक्चर। और उसके बाद में इसका IUPAC नाम लिख देते हैं, IUPAC नाम लिख देते हैं। इसका नाम है एथेनॉल। तो इससे क्या होता है, हमारा एक नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। ये किस तरह से बन सकता है, इसकी विधि लिखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए शीरा क्या होता है, जो मेल होती है गन्ने की उसमें चीनी बनती है, ठीक है। चीनी बनने के बाद में जो द्रव रह जाता है, जो रस रह जाता है, वो एक भूरे रंग का होता है। उसमें 40% चीनी बच जाती है, उसमें क्या बच जाती है, 40% चीनी बच जाती है। और वो जो चीनी है वो निकालना क्या होता हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। 40% चीनी है शीरे में, ठीक है, जो शीरा है उसमें 40% चीनी है, और इसे निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें इसका अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका शीरे का तनुकरण करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं प्लस वाटर मिला लेते हैं। और जब पानी मिलाते हैं तो इस तरह का विलयन प्राप्त होता है कि उसमें 10% चीनी हो जाए। लगभग कितनी चीनी हो जाए, 10% चीनी हो जाए, इतना पानी मिलाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है किण्व ज़्यादा ना हो, किण्व की उपस्थिति ज़्यादा ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें H2SO4 मिला देते हैं, डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो इसमें किण्व है वो सारे मर जाए, तो इसलिए इसमें और क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलाते हैं, शीरों के तनुकरण में पहले पानी मिलाते हैं। पानी कितना मिलाते हैं, इतना पानी मिलाते हैं कि चीनी 10% रह जाए विलयन में। उसके अलावा किण्व ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा अधिक ना हो, तो H2SO4 मिला लेते हैं। इसके अलावा किण्व ऐसा ना हो कि सारे मर जाए, उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, तो भोजन के लिए अमोनियम सल्फेट मिला लेते हैं किण्व के लिए। फिर इसका क्या करते हैं, अल्कोहलिक किण्वन करते हैं, फर्टिमेंटेशन करते हैं। देखिए किस तरह से, अब क्या करेंगे इसका, अभी हमने शीरे का तनुकरण कर लिया। हमने तनुकरण कैसे करा, इसमें पानी मिलाया, 40% चीनी तक का विलयन बन गया, सॉरी 10% तक का चीनी का विलयन बन गया, और इसमें H2SO4 मिलाया और अमोनियम सल्फेट मिला दिया। अब इसका किण्वन करेंगे, देखिए किण्वन कैसे करते हैं। अब जो हमारे पास ये विलयन आया था 10% तक का विलयन आया था जिसमें 10% चीनी है, इसमें प्लस खमीर मिला देते हैं, यीस्ट मिला देते हैं, ठीक है। खमीर में दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है इन्वर्टेस, एक होता है जाइमेस, ठीक है। अब क्या होता है, इसे क्या करते हैं, खमीर मिलाने के बाद में दो से तीन दिन तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन तक गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो पहला प्रोसेस क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अभी प्रोसेस बताऊंगा, इतना समझ लो कि 10% सांद्रता वाला एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब उसमें एथिल अल्कोहल कितनी होती है,
10% होती है, ठीक है। देखिए तो बनता कैसे है, सबसे शुरू में क्या होता है, चीनी का जो सूत्र है C12H22O11 है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लस जब H2O से ये रिएक्शन करता है, H2O से, जल से, क्योंकि इसमें शुरू में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, और इन्वर्टेस, इन्वर्टेस क्या है, एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें बनता है C6O12 और C12H22O11, तो ये हो जाएगा C6H12O6, ठीक है, C12H22O11 प्लस एक और हो जाएगा C6H12O6, इसका नाम है सुक्रोज, इसका नाम है सुक्रोज और इसका नाम है फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोस और फ्रक्टोज, इसका नाम है ग्लूकोस और इसका नाम है फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहता है, तो एक है फ्रक्टोज और ग्लूकोस, और चीनी का जो नाम है वो है सुक्रोज, सुक्रोज चीनी का नाम है, ठीक है। तो इसकी H2O से रिएक्शन होती है तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस में टूट जाता है। देखिए सी कितने थे, 12 थे, तो 6 ये रहे। एच कितने थे, 22 और दो 24, तो 12 और 12 24। ओ कितने थे, 12 थे, तो 6 और 6 12, तो इस तरह से, ठीक है, ये टूट जाता है। इसके बाद में क्या होता है, या तो फ्रक्टोस या ग्लूकोस, C6H12O6 ये क्या करता है, ये बनाता है हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2, ठीक है, दो C2H5OH के अणु और दो CO2 के, इस तरह से। गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, 2 × 2 = 4 और 2 = 6, तो 6 तो ये रहे, ठीक है। H कितने हैं, 12 है, 2 × 5 = 10 और 2 = 12, ठीक है। C कितने हैं इसके अलावा, 2 × 2 = 4 और 2 = 6, तो 6 × 6 ये रहे। और इसमें जो है जाइमेस, इसमें जो होता है वो होता है जाइमेस, ठीक है, इसमें जाइमेस होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, शीरा लेते हैं, और शीरा लेने के बाद में उसका तनुकरण कराते हैं। तो हमें थ्योरी किस तरह से लिखनी है इसकी, देखिए थ्योरी इस तरह से लिखनी है। सबसे पहले शीरे के, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, एक तो आएगा शीरे के तनुकरण से अल्कोहल का निर्माण, शीरे के तनुकरण से अल्कोहल का निर्माण, और एक आएगा किण्वन विधि से अल्कोहल का निर्माण, दो तरीके से। तो जब शीरे के तनुकरण से अल्कोहल का निर्माण आएगा तो लिखेंगे, शीरे में इतना पानी मिला लेते हैं कि जिससे 10% चीनी वाला एक द्रव, एक लिक्विड प्राप्त हो जाए, एक विलयन प्राप्त हो जाए। इसके बाद में इसमें H2SO4 मिलाते हैं ताकि किण्व वृद्धि ना कर सके, और इसमें अमोनियम सल्फेट इसलिए मिलाते हैं ताकि किण्व जो हैं, जो विलयन में उपस्थित किण्व हैं, उन्हें भोजन प्राप्त होता रहे। इसके बाद में लिख देंगे, तनुकरण हो गया, ये हो जाएगा शीरे का तनुकरण के हेडिंग में। इसके बाद में हम लिखेंगे अल्कोहलिक किण्वन, तो अल्कोहलिक किण्वन में लिखेंगे हम शीरे के विलयन, शीरे के तनुकरण विलयन में, जो आप तनुकरण है, तनुकरण हुआ हुआ है, तो शीरे के तनुकरण विलयन में थोड़ा खमीर मिला लेते हैं, तथा इसे 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो एथिल अल्कोहल का 10% सांद्रता वाला जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल का 10% सांद्रता वाला जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। विलयन के लिए आवश्यक एंजाइम, विलयन के लिए आवश्यक एंजाइम खमीर में उपस्थित होते हैं, जो आवश्यक एंजाइम होते हैं इन्वर्टेस और जाइमेस, वो खमीर में उपस्थित होते हैं।
इस तरह से इसकी थ्योरी होती है। इसके अलावा बात करें इसके रासायनिक गुण की, तो सामान्य गुण हैं जो पहली वीडियो मैंने बनाई है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के गुण और मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, तो इसी तरह से इसके सामान्य गुण हैं। आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो इसके भी गुण कर पाएंगे। इसके अलावा एक दो रिएक्शन में इसके रासायनिक गुण की करा दूंगा, ठीक है, जो थोड़ी अलग है, जो मेथिल अल्कोहल से अलग होगी, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो देख लीजिए, C2H5OH का जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है CH3CHO बनता है, CH3CHO, और H2O निकल जाता है। अगर वहाँ लिखूँगा तो प्लस में, लेकिन यहाँ लिखूँगा तो माइनस में, ठीक है। इस तरह से इसका दोबारा से ऑक्सीकरण अगर कर दे तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो बस इसके ऑक्सीडेशन में इतना अंतर है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, इसमें एसिटल्डिहाइड बन रहा है। बाकी बिल्कुल इसके जो रासायनिक गुण हैं, आप अगर वीडियो देखेंगे दूसरी वाली, तो सारे PCl5 से किस तरह से रिएक्शन करता है, और जी HI हैलोजन एसिड से किस तरह से रिएक्शन करता है, सोडियम से किस तरह से रिएक्शन करता है, आप सारे रासायनिक गुण इसके कर देंगे। एग्ज़ाम में अगर आता है कि शीरे के तनुकरण से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया तथा उपयोग बताइए, तो हमें पूरा डिटेल में इसका पहले तो इसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हमें चार रासायनिक गुण ज़रूर लिखने पड़ेंगे, चार रासायनिक गुण। इसके अलावा हमें उपयोग लिखने पड़ेंगे दो या तीन, ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी। तो इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, इसका उपयोग होता है अभी हमने क्या बनाया है, एसिटिल्डिहाइड बनाने में, तो यही लिख देंगे। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, परफ्यूम बनाने में इसका प्रयोग होता है, परफ्यूम बनाने में। इसके अलावा इसका वार्निश में, इसका पेंट में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कोहल है जिससे पीते हैं जो, तो पेयजल में इसका प्रयोग करते हैं, इसका इसको पीने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग करते हैं औषधियों में, दवाइयों में इसका प्रयोग करते हैं, खांसी की दवाई में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से तीन चार उपयोग याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में क्या बन के आएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से बन के आ सकता है कि C2H5OH उपयोग किया जाता है, नंबर आ जाएगा खांसी की दवाई में, उसके अलावा तीन ऑब्जेक्टिव इसी तरह से और दे देगा कि प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, इसी तरह से। तो हमारा क्या होगा, ये जो मेन यूज़ है इसका वो खांसी की दवाई में, तो हम जो टिक करेंगे खांसी की दवाई में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एथिल अल्कोहल था। आज की जो वीडियो है मैं यही लास्ट करता हूँ, वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि आज के लिए कुछ है नहीं, कोई कंटेन इतना है नहीं, अल्कोहल यहाँ पर समाप्त होते हैं, अल्कोहलों का चैप्टर ही यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अलावा हम दो चार क्वेश्चन और लगा लेंगे अगली वीडियो में अल्कोहल के, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।